आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं अर्जिता। चेहरे में अगर नाक का आकार ठीक ना हो तो चेहरे की खूबसूरती में कमी सी रह जाती है, इसीलिए लोग अपनी नाक के प्रति काफी सजग रहते हैं। लोग अक्सर नाक के आकार को ठीक करवाने के लिए डॉक्टर के पास आते हैं, लेकिन नाक का ऑपरेशन सफल रहते हुए भी नाक में जल्द इन्फेक्शन हो जाने की वजह से उसमें अक्सर सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से नाक का सक्सेसफुल ऑपरेशन होने के बाद भी सुंदर नाक पाने की इच्छा अधूरी ही रह जाती है। इसी समस्या का समाधान ढूंढ निकाला है KGMU के ENT विभाग में थर्ड ईयर की रेजिडेंट डॉक्टर देविशा अग्रवाल ने। उन्होंने एक ऐसी डिवाइस इजाद की है जो कि आने वाले समय में अपनी नाक का इलाज कराने वाले लोगों के लिए और अपनी नाक का शेप ठीक करवाने वालों के लिए एक वरदान साबित होगा। इस डिवाइस का नाम है द टोटल नेजल कन्फर्मर। डॉक्टर देविशा अग्रवाल ने इस डिवाइस के बारे में इंडिया पब्लिक खबर को जानकारी दी। आइए देखते हैं संवाददाता पवन सिंह चौहान की ये खास रिपोर्ट। मैं डॉक्टर देवेशा अग्रवाल हूँ, KGMC के ENT विभाग, नाक कान गला विभाग में थर्ड ईयर फाइनल ईयर की रेजिडेंट डॉक्टर हूँ। और मैंने जिस डिवाइस के बारे में आइडिया पुट फॉरवर्ड किया है, सामने रखा है, उसको कहते हैं द टोटल नेजल कन्फर्मर। ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि नाक पे लगाया जाता है। सर्जरी के बाद जैसे नाक किसी की टेढ़ी हो किसी एक्सीडेंट की वजह से या किसी भी कारण से, अगर किसी की नाक टेढ़ी हो, उसको नाक सीधी करनी हो, अपनी सही करनी हो, आकार सही करना हो, तो उसके लिए सर्जरी करते हैं। सर्जरी के बाद बहुत बार क्या होता है कि नाक के सर्जरी के बाद सूजन बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो अच्छी सर्जरी करने के बाद भी सूजन की वजह से नाक की प्रॉपर शेप नहीं आ पाती है। तो ये डिवाइस सर्जरी के बाद नाक पे लगाया जाएगा एक कैप की तरह, जो कि उस सूजन को कम करेगा या नगण्य करेगा। इसके बहुत सारे फायदे हैं। पहला फायदा कि इस डिवाइस के दो भाग विभाग होंगे, एक विभाग नाक के ऊपर आएगा और एक अंदर जाएगा। अंदर जाएगा साथ में एक और विभाग होगा जो नाक के दोनों छिद्रों के बीच में सेप्टम होता है उसके ऊपर जाएगा। बहुत बार क्या होता है कि सर्जरी के बाद जो है नाक के दोनों छिद्रों के बीच वाली जो दीवार होती है, जिसको सेप्टम कहते हैं, उसमें सूजन आ जाती है, जिसको कहते हैं सेप्टल हेमाटोमा। लेकिन इस डिवाइस में एक प्लेट सेप्टम की तरफ भी जाएगी, जिसकी वजह से सेप्टल हेमाटोमा नामक कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। तो ये डिवाइस आपकी नाक को सामने से भी, ऊपर से भी सपोर्ट देगा, अंदर से भी सपोर्ट देगा। और ये हर सर्जरी में यूज़ हो सकता है जिसमें आप नाक को सीधी करते हैं। राइनोप्लास्टी सर्जरी होती है, तो इस हिसाब से ये डिवाइस काफ़ी ज़रूरत, काफ़ी यूज़फुल सिद्ध होगा। मैं भी जैसे डिवाइस नहीं थी तब मैडम कैसे ये किया जाता? ये जब डिवाइस नहीं थी तो फिर जब सर्जरी होती थी, आपको नाक का आकार का सीधा करना है, तो आपने सर्जरी तो कर दी, लेकिन उसके बाद इतना सूजन आ जाता था कि चाह कर भी नाक का आकार नॉर्मल पे नहीं आ पाता था। तो इस डिवाइस जो कि कैप की तरह उस नाक पे बैठा रहेगा, वो सूजन जो सर्जरी के बाद आती थी वो नहीं आएगी। तो इसका जो ब्यूटी होती है नाक की, वो रिटेन होगी और ज़्यादा अधिक अच्छा रिजल्ट आएगा सर्जरी का। डिवाइस आने से कितने जी डिवाइस जैसे आ गई है, अब इससे क्या आप लोग को क्या आराम मिली? क्या डिवाइस आने से यही फायदा होगा कि अब जो सर्जरी का रिजल्ट है वो और बेहतर होगा। जैसे पहले सर्जरी होने के बाद पेशेंट उतना सेटिस्फाइड नहीं रहता था, क्योंकि उसकी नाक को लगता था अभी भी सूजा हुआ है या फिर थोड़ी सी भी आकार उसका नहीं सही है। लेकिन इस डिवाइस के बाद जो सर्जरी का रिजल्ट है वो 10 गुना ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आकार अब सही से आ जाएगा, सूजन की वजह से आकार नहीं बिगड़ेगा, और साथ में जो पहले कॉम्प्लिकेशंस आते थे वो भी प्रिवेंट हो जाएंगे, क्योंकि अंदर भी इसका एक विभाग जाएगा डिवाइस का। और ये डिवाइस का आइडिया हमें आया क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो अपनी नाक को लेकर बहुत पर्टिकुलर होते हैं, क्योंकि नाक फेस का सबसे प्रोमिनेंट, सबसे ज़्यादा दिखने वाला पार्ट है। तो सर्जरी के बाद भी उनको लगता है कि वो सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं, तो हमें इसीलिए लगा कि कुछ ऐसा करना चाहिए कि सर्जरी हो तो उसका फ़ायदा और अधिक पेशेंट की तरफ जाए। और इस डिवाइस की खास बात यह है कि ये अलग अलग साइजेस में आएगा, तो हर किसी पेशेंट में लग सकता है, कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप नहीं है। दूसरी खास बात यह है कि जो इसका मटीरियल है सिलिकॉन से बनेगा, तो ये मटीरियल शरीर को कोई नुकसान नहीं देगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा, तो बिल्कुल ही बॉडी फ्रेंडली, ह्यूमन फ्रेंडली मटेरियल है, तो इसीलिए ये अच्छा रहेगा दोनों तरीकों से। ये डिवाइस चालू कर दी गई है कि या अभी होना? अभी ये डिवाइस का हमने आइडिया प्रेजेंट किया है, इसको पेटेंट के लिए भी भेजा है, एक बार पेटेंट हो जाए उसके बाद चालू कर दिया जाएगा। मैम इससे इलाज में खर्चे पर कितना बढ़ोतरी होगा? खर्च में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होगा, बहुत कम ही बढ़ोतरी होगा। मेरे ख्याल से जो फ़ायदा मिल रहा है पेशेंट को,
उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो खर्च का उसमें कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह जाता है। जो पेशेंट का सेटिस्फैक्शन है वो मेन होता है, खर्चा इसका ज्यादा नहीं आएगा, थोड़ा सा ही आएगा। इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।